अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे दही बल्ले, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बंद गोभी का हाफ फूल लिया है, बारीक बारीक से मैंने इसको काट लिया है। किशमिश है, चीनी है, प्याज है, मेरे पास 2 अदद जितने मैंने इसमें थोड़े से डालने हैं डाल दूँगी। बाकी मेरे पास फुलकियाँ हैं, ये मैंने लंबी ली है। इसको मैंने पानी में गर्म पानी में भिगो कर, नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा था, इस तरह ये नरम हो गई हैं। टमाटर मैंने 2 अदद लिए हैं, हरी मिर्चें मैंने 6 अदद लिए हैं, इसको मैंने बारीक बारीक दोनों चीज़ों को काट लिया है। आलू मेरे पास 3 अदद थे, ये मैंने बॉईल किए हैं और इसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया इस तरह से। उसके बाद खीरे हैं मेरे पास, खीरे आपने बस 2 अदद खीरे ले लें, मैंने काटे हैं, जितने डालने हैं डाल लें। बाकी मेरे पास इमली है, इमली मैंने ली है, थोड़ा सा मैंने इसको इमली को भिगोया था, इसका ये मैंने पानी निकाल लिया है और ये हम इसके अंदर डालेंगे। 1 किलो मेरे पास दही है। तो आइए फुलकियाँ बनाना शुरू करते हैं। आलू इसके अंदर डाल दूँगी, तकरीबन 1 बड़ा प्याज आप डाल दें इसके अंदर। दो अदद खीरे इसके अंदर डाल दें। बंद गोभी जितनी आप डालना चाहती हैं डाल दें। इसके बाद मेरे पास हरी मिर्ची और टमाटर है, ये इसके अंदर डाल दूंगी और थोड़ी सी मैंने बचा ली है। इमली का पानी ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। चीनी और किशमिश है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी मैं किशमिश बचा लूँगी ऊपर डालने के लिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाट मसाला, ये मेरे पास चाट मसाला है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चाट मसाले का डाल देंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाले का इसके अंदर डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाले का डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर दही में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हम इसके अंदर जब हम चीज़ें मिक्स कर रहे होंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दही पतला नहीं लेना, दही अच्छे वाला गाढ़ा दही लेना है आपने। जी व्यूअर्स, जी सारा मैंने मिक्स कर दिया है। जब सब मिक्स हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी और थोड़े से टमाटर डाल दूँगी। एंड पर आकर हम थोड़ी सी इसके ऊपर किशमिश डाल देंगे। हमारी खट्टी मीठी दही बलिया तैयार हो गई हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। इसी रेसिपी के साथ आप घर में बनाएं और साथ आप दाल वगैरह या सब्ज़ी जो बनाना चाहती हैं बनाएं, हाली भी इसको खा सकती हैं चाय के साथ, बहुत मज़े की बनती है। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।